राउरकेला ट्रक मालिक संघ द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र में किया गया प्रदर्शन। जॉइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह, आज यहाँ 5-7 दिन पहले कुछ प्लांट में आरएसपी में स्कैम हुआ था चोरी का, जिसके फलस्वरूप कार्रवाई नहीं करते हुए यहाँ लोकल ट्रकर्स को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, जो प्रतिदिन अंदर माल का परिवहन करते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। गेट पास बनाने में लेट हो रही है, गाड़ियों को बहुत लेट तरीके से घुसाया जा रहा है। बहुत अलग अलग स्टेट से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, अदर स्टेट से जो गाड़ियाँ आती हैं, वो ड्राइवर क्लास के नए लोग होते हैं, उन लोगों को 3-3 दिन लगती है गाड़ी घुसने में। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारी को बोलने से कुछ सुनते नहीं, उल्टा मिसबिहेव करते हैं। और इस तरह का समस्या को देखते हुए यहाँ के जो ड्राइवर, हेल्पर, जो लिफ्टर लोग हैं, गाड़ी को अंदर नहीं घुसाने का खड़ा कर दिए। उसके बाद हमारे राउरकेला ट्रक एसोसिएशन को सहयोग का गुहार लगाए और हम लोग यहाँ पर आकर हम लोग भी इनका धरना में सहयोग किए। और राउरकेला ट्रक एसोसिएशन का मांग है कि सिस्टमेटिक यहाँ काम हो, जो चोरी की है उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि यहाँ पर आम पब्लिक के ऊपर में परेशान किया जाए, और सिस्टम से काम हो, स्मूथली काम हो, जैसे पहले हो रही थी। रोज 150-200 गाड़ियाँ परिवहन होती थी, अभी 20-25 में ही रुक जाती है। अभी शाम को 5 बजने को आया यहाँ, अभी तक 15 गाड़ियाँ घुसी है, सुबह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, किसी का कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है।